हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो, या कैट या मैट के एग्ज़ाम्स हो, या दूसरे किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश सेक्शन को बहुत तेज़ी से यदि आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स को मास्टर करना। हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इंग्लिश में सभी जगह, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, या रिटन इंग्लिश हो, या कम्पिटिटिव इंग्लिश हो, या डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो, सभी जगह कॉमनली इन वर्ड्स का यूज़ होता है। तो यदि आप इन हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स को मास्टर करना चाहते हैं, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये इंग्लिश एडवांटेज चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर मैं सारे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स को अपलोड कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स अपलोड किए हैं, इनको मैंने स्टोरी की तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखा हुआ है। जैसे एक ये वर्ड है पेल्पेविल, ठीक है। तो इस वर्ड की अगर आपको नॉलेज चाहिए, तो यहाँ पर इस वर्ड को आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आप पढ़ेंगे, तो इस वर्ड के बारे में पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। सिनोनिम, इसके इसके जो जो रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, वो भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं जो कन्फ्यूज करते हैं, जैसे पेल्पेबिल और कल्पेबिल, ठीक है, ये कन्फ्यूज करते हैं, तो ये वर्ड्स मैंने पास पास में ही दिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पैलेटेबल, ठीक है। तो सारे जो 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 मिलते जुलते वर्ड्स हैं, वो मैंने एक ही जगह पे दिए हैं। ये पूरी सीरीज में इस वेबसाइट पर चला रहा हूँ। अभी इसके 3 पार्ट हो चुके हैं। एक पार्ट में करीब 100 के आसपास मैं वर्ड्स ले रहा हूँ, लेकिन चूंकि इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और रिलेटेड वर्ड्स भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, तो इसलिए काफ़ी वर्ड्स आपके यहाँ से आप मास्टर कर सकते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं। और ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, ये एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग के सभी एग्जाम्स के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए हाईली यूजफुल ये वर्ड्स हैं। तो इस साइट पर आएँ और आप इन वर्ड्स को स्टडी करें। डेली आप 10 वर्ड भी स्टडी करते हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी वोकेबलरी हो जाएगी। और जब आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती है, तो इंग्लिश सेक्शन के सभी पार्ट्स आपके इंप्रूव होते हैं, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, सिनोनिम एंटोनिम्स हो, इडियम्स हो, क्लोज टेस्ट हो, ये सारे पार्ट्स आपके इसके थ्रू इम्प्रूव होते हैं। और इस वेबसाइट पर यदि यदि आप ई बुक्स लेना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस डाउनलोड सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ से आप ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। हाईली यूजफुल ये ई बुक्स हैं, और इन वोकेबरी को पढ़ने के लिए आपको इस वोकैब सेक्शन में जाना है। यहाँ पर इंग्लिश सेक्शन में ये वोकेबरी की सीरीज चल रही है। 3 पार्ट इसके हो चुके हैं, आगे के पार्ट्स भी मैं तैयार कर रहा हूँ। और ये जो वर्ड्स हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कोर वर्ड्स हैं, ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं और हाईली यूजफुल ये वर्ड्स हैं। तो इसको आप जब अब आप नीचे जाएंगे, तो देखिए कितने कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स। इनको यदि आप मास्टर कर लेते हैं, तो आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन और आपका सिनोनिम एंटोनिम्स इडियम्स क्लोज टेस्ट, ये सारा बहुत ही ज़्यादा आपका आसान हो जाएगा। देखिए हाईली यूजफुल ये वर्ड्स हैं, और सारे वर्ड्स मैंने स्टोरी स्टाइल में दिए हैं। देखिए यहाँ पर मिलते जुलते वर्ड जैसे स्लेंडर है, मियंडर है, हाईली यूजफुल ये वर्ड्स हैं, मैंने इस तरह से दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये वर्ड्स हैं, पूरी सीरीज़ है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये वेबसाइट है englishiq.in, यहाँ पर आपको आना है। और इस वोकैब सेक्शन में, इंग्लिश सेक्शन में ये सीरीज चल चल रही है। और यदि आप ई बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस डाउनलोड सेक्शन में आके आप ई बुक्स आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट को आप सब्सक्राइब जरूर करें, यहां पर ना ईमेल आईडी डाल दें और यहां से सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि कोई भी अपडेशन हो इसमें होगा, कोई भी नई पोस्ट में डालूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इसको आप सब्सक्राइब कर जरूर करें, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो। तो इस सेशन में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।